हेलो फ्रेंड्स, साना किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढोकला की रेसिपी। तो देखिए, ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 कटोरी बेसन लिया है और ये वजन में देखिए तो ये 200 ग्राम बेसन है। तो चलिए, हमने पहले ढोकले का बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्लीन बाउल ले लिया है और इसके अंदर में हमने आधी कटोरी पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये आधी कटोरी के अंदाज में पानी है। और साथ ही हमने इसमें डालनी है ये 1 चम्मच चीनी, ये हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इससे क्या है कि बिल्कुल मेल्ट होनी चाहिए चीनी। देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसके अंदर में हमने डालना है ये 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये हमने इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हमने लेना है इसमें हल्दी। तो हल्दी में ये 1/2 चम्मच से कम ले रही हूँ, 1/4 चम्मच है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही हमने डालना है नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कर दिया है और इसको हमने मिक्स करना है। साथ ही हमने डालना है इसमें बेसन, ये जो हमने बेसन रखा हुआ है ये हमने इसमें डाल देते हैं सारा बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसको हमने एक बैटर बनाना है। देखिए, हमारा अच्छे से बैटर तैयार हो गया है, इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं कर रखना है। तो चलिए, इसको हमने साइड कर देते हैं और ये मैं पेस्ट रोलर से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना है। और अब इसके अंदर हमने डालना है ये साटरी, क्योंकि जब हम ढोकला बनाते हैं तो साटरी की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये बाज़ार में साटरी मिलती है, बिल्कुल जैसे फिटकरी होती है वैसे ही देखने में लगती है, लेकिन मैंने इसको पीस के पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए, हमने ये 1/4 चम्मच ले लिया है साटरी पाउडर, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। और इसका जब भी आप डालें तो ध्यान रहे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है और इसे नींबू के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हमने इसमें डाल दिया है। और तो चलिए, अब हमने रखना है अपना स्टीमर गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं इसको स्टीम करना है। देखिए, हमने अपने ढोकला को स्टीम करना है। ये मैंने इसमें पानी डालने लगे, ये बड़े पतीला लिया है मैंने और इसके अंदर में हमने 1.5 गिलास हमने पानी डालना है। तो ये हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और इसके अंदर में लगा देते हैं स्टैंड और इसको ढक देते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है, हम अपना ढोकला तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा ढोकला बनाने का बर्तन है, तो इसको हमने पहले ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने रिफाइंड ऑयल से थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ढोकला है वो बहुत आराम से निकल आएगा। बहुत ही अच्छे से इसको ग्रीस करना होता है, साइडों से भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा बर्तन भी ग्रीस हो गया है और हमने अपना बैटर को चेक करते हैं। और ये है हमारा बैटर, बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हमने इसके अंदर में जो डालना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो हमने लास्ट मोमेंट पे डालते हैं, क्योंकि उसको डालने के बाद में इसको बिल्कुल भी रखना नहीं होता है। तो ये है हमारा मीठा सोडा। देखिए, मैंने ये 1/2 चम्मच ये मैंने मीठा सोडा लिया है, तो ये हमने इसमें कटोरी में डालेंगे। और इसमें 1 चम्मच हमने डालना है पानी, पानी को हमने ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच पानी लेना है हमने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमने इसमें डालना है, और ये देख सकते हैं कि ये वाइट वाइट बनने लगा है, इसका मतलब हमारे ये जो सोडा है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने हिलाना है और ये एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। और ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फूलना शुरू हो गया है, ये बहुत ही बिल्कुल क्रीमी हो गया है फूल के। और इस टाइम पे मैं डालने लगी हूँ ये बर्तन में, जिसमें हमने अपना ढोकला बनाना है। कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत ही क्रीमी बन गया है एकदम से, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और ये हमने अपना बर्तन ले लिया है जिसमें हमने ढोकला बनाना है, इसमें हमने डाल देना है सारा अच्छे से। देखिए, हमने ढोकला का बैटर डाल दिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा टैप करेंगे, जैसे कि जो बबल्स हैं वो निकल जाएंगे इसमें से। चलिए, इसको रखते हैं पतीली के अंदर। देखिए, कितने अच्छे से पानी गर्म हो गया है और इसको हमने इसके अंदर में रखना है। ये हमने इसके अंदर रख दिया है, जो कि हमने स्टैंड रखा था उस पर रख दिया है। और इसको ढक्कन लगा देते हैं और ये कम से कम मैंने 20 मिनट के लिए रखना है इस पर,
और गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है, लो नहीं करना है। तो बीच में हमने चेक करेंगे फिर। देखिए 20 मिनट हो गए हैं हमारी ढोकला को स्टीम पे, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्टिक ली है, तो पिक है बड़े साइज़ की, तो मैंने इसको इसमें डाल के देख लेती हूँ। तो ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा गीलापन है, तो अभी हमने 5 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। अभी हम ढक देते हैं इसे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं हमारी ढोकला को बनते हुए, और ये 20 से 25 मिनट में हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। और गैस को मैं बंद कर रही हूँ, और चलिए इसको निकालते हैं। देखिए ढोकला को हमने निकाल ली है, और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमने अभी ये नहीं निकाला है, नहीं तो ये टूट जाएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। तो इसको हमने पहले 10 मिनट के लिए ठंडा करते हैं, और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। देखिए तड़का लगाने के लिए हमने ये पैन रख दिया है गैस पर, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच ये ऑयल को डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके अंदर में हमने डालना है 1 चम्मच ये राई, साथ ही डालेंगे हमने इसमें कड़ी पत्ता, साथ ही हमें डालना है इसमें 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास पानी और डालूंगी मैं। हमने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है ये नमक 1/2 चम्मच दिया है मैंने। साथ ही हमने डालना है ये 4 चम्मच चीनी, क्योंकि ये जो हमारा ढोकले का जो पानी होता है वो खट्टा मीठा होता है, तो इसके अंदर हमने डालना है ये 1/2 चम्मच टाटरी पाउडर, इसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया है। और इसको हमने एक उबाला दिलाएंगे, ये इसको पकाना नहीं है। देखिए हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, और गैस को मैं बंद करने लगी हूँ। और चलिए अपने ढोकला को चेक करते हैं। देखिए ढोकला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, और ये देखिए साइडों से बिल्कुल ढोकला छूट गया है बर्तन से। तो चलिए हमने इस प्लेट में निकाल लेते हैं अपने ढोकला को, और ये छुरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है, और अब हम इसको सीधा कर देते हैं ढोकला को। ये बहुत ही अच्छे से हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है, और मैं इसके पीस काटने लगी हूँ। तो ये देखिए हमने अपनी छुरी की मदद से इसको पीसेस में काटेंगे, और उसके बाद हमने इसमें जो तड़का बनाया है वो डाल देते हैं इसमें। देखिए ढोकला हमने काट लिया है, तो मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है। ये अभी मैंने पानी नहीं डाला है इसका ऊपर से, तो ये देखिए जो हमने तड़का बना के रखा है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसी से हमारे जो असली टेस्ट आएगा ढोकला का वो आने वाला है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा ढोकला बना है, और इसको अच्छे से हमने इस पर पानी डालना है, ये जो बना के रखा है हमने खट्टा मीठा ढोकले का। और साथ ही हमने इसमें जो हरी मिर्च डाली है उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। देखिए हमने अपने ढोकले को इस प्लेट में लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ये जो सिरप डाला है वो उससे अच्छे से जोस कर दिया है ढोकला ने, तो ये हमने अब इसमें लगा रही है। ढोकला हमारा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ढोकला बना है। देखिए ढोकला हमने लगा दिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि ये हरा धनिया का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए हमने हरा धनिया भी लगा दिया है। देखिए हमारा ढोकला बनकर तैयार है, और ये देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है, और कितने अच्छे से जूसी बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है। आपने बाजार का ढोकला तो बहुत खाया होगा, अगर आपने अभी तक घर में नहीं बनाए हैं तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइए। बहुत ही मज़ेदार हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ढोकले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।